गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है थर्सडे और अभी टाइम हो रहा है 5:30 PM इवनिंग के। और अभी से मैं आज का व्लॉग शुरू कर रही हूँ। सुबह से एक्चुअली आज मुझे व्लॉग शुरू करना था, बट आज मुझे सुबह को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। मैं थोड़ा सा बिजी थी, बट अभी इवनिंग में मैं बिल्कुल फ्री हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अभी से व्लॉग शुरू करूँ। और मैं बालकनी से व्लॉग शुरू करूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है बालकनी में ऐसे खड़े होकर व्लॉग करना, बहुत ही अच्छा फील होता है। और अभी बिल्कुल भी गर्मी नहीं है। मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बट इवनिंग होते होते गर्मी काफ़ी कम हो जाती है, तो अभी बिल्कुल भी गर्मी नहीं है। काफ़ी हल्का सा ठंडी ठंडी हवा है, तो अच्छा लग रहा है। मैं दिखाती हूँ, देखिए सनसेट ऑलमोस्ट हो ही गया है। पीछे आप देख सकते हैं सनसेट ऑलमोस्ट हो ही गया है। हल्का हल्का अभी भी इतना हल्का लाइट नहीं है, काफ़ी ज़्यादा लाइट तो है, बट स्टिल अच्छा लगता है ना ऐसे इस टाइम पे ऐसे बालकनी में खड़े होना। बालकनी से ऐसा चारों तरफ यहाँ पे इतने ज़्यादा ट्रीज है ना, इतना अच्छा फील होता है, एक रिफ्रेशिंग फील होता है। और मेरे प्लांट्स तो है ही, देख सकते हैं मेरे प्लांट्स। और एक नया प्लांट जो मैंने दिखाया था लास्ट टाइम जब हम लोग गए थे नर्सरी प्लांट शॉपिंग के लिए, तब मैं बहुत सारे प्लांट्स लाई थी, उसमें से एक याद है आपको, ये वाला प्लांट बहुत ज़्यादा ऑसम है। इसका लुक बहुत ही प्रिटी है। तो अभी मैं कुछ नाश्ता बनाऊंगी। नाश्ता में आज इसका नाश्ता भी बहुत अच्छा बनने वाला है, और जो डिनर में बनाऊंगी वो भी थोड़ा सा अलग टाइप का कुछ डिनर बनाऊंगी। मैं पहले भी एक दो बार बनाई हूँ, बट मैंने कभी शेयर नहीं किया उसका रेसिपी। तो उसका रेसिपी इतना ज़्यादा टेस्टी बना था, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ। तो चलिए अंदर चल के अभी नाश्ता बना लेते हैं। आप देख सकते हैं आज मैं एकदम कुर्ती पहने, सिंदूर विंदूर लगाए, क्योंकि आज थर्सडे और थर्सडे को मैं जनरली सिंदूर लगाती हूँ। थर्सडे एक्चुअली बंगालीज के लिए लक्ष्मी जी का डे होता है, तो ये सब पूजा वगैरह मैं इतना करती नहीं, मुझे इतना पता भी नहीं है, बट हाँ सिंदूर लगाना एकदम सुहागन जैसा रेडी होना ये सब इम्पॉर्टेंट होता है हम लोगों के लिए, हम बंगालीज के लिए, तो इसलिए मैं सिंदूर भी लगा लिया। और मैं एक कुर्ती भी पहना है, एक इंडियन आउटफिट। ये कुर्ती जो है ये मेरा न्यू कुर्ती है, आज ही फर्स्ट टाइम पहन रही हूँ। एक्चुअली बाहर इतना निकलना ही नहीं होता है, तो कहाँ पहनूँ, मेरे कपड़े सारे पड़े पड़े कबर्ड में रह रहे हैं। तो मैंने सोचा कि ना घर पे व्लॉग्स जब बनाती हूँ तो अभी कि ना एक नए नए ड्रेसेस पहना करूँ, तो इसलिए मैं न्यू ड्रेस पहन लिया है। बहुत ही ब्यूटीफुल एक कुर्ती है, बहुत ही एकदम लाइट वेट एक कुर्ती है, शॉर्ट स्लीव्स है, बहुत ही अच्छा मटेरियल है इसका, और ये बीबा का है। और क्या बोलना था इसके लिए, मैं प्रमोट नहीं कर रही हूँ बीबा को, बट हाँ बीबा के कुर्तीज़ ये सब मटेरियल काफ़ी अच्छे होते हैं, वो तो आप सभी को जो लोग यूज़ करते हैं उनको तो पता ही होगा। तो हाँ बस ये, तो अभी चलिए अंदर चलते हैं अंदर। और हाँ आज का मेरा हेयर स्टाइल भी थोड़ा डिफरेंट है, मैं थोड़ा अलग टाइप से थोड़ा सा हेयर को टाई किया। मैं कैसी लग रही हूँ इस हेयर स्टाइल में, प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लग रही तो मैं हेयर स्टाइल और करूँगी, और अगर अच्छी नहीं लग रही तो जैसा रोज़ करती हूँ वैसा ही करूँगी। तो चलिए अभी अंदर चल के नाश्ता बनाते हैं, भूख लगी है काफ़ी। आजकल सब कुछ जल्दी जल्दी हम लोग करते हैं, इसलिए जल्दी भूख भी लग जाती है। तो चलिए अंदर चलते हैं। सो गाइज, आज मैं नाश्ते में बना रही हूँ डोसा, बट थोड़ा सा अलग टाइप का बना रही हूँ। यहाँ पे मैं बोल में जो मार्केट से नॉर्मल डोसा का बैटर होता है वही मैंने ले लिया है, और उसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मार्केट का जो डोसा बैटर होता है वो थोड़ा सा थिक होता है, तो पानी डाल के उसको थोड़ा सा पतला करना पड़ता है। और इसी बैटर के अंदर मैं कुछ वेजिटेबल्स ऐड कर दूँगी, चॉप्ड अनियन, चॉप्ड ग्रीन चिलीज एंड चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स। आप अपने पसंद का कोई भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, एंड थोड़ा सा सॉल्ट अपने स्वाद अनुसार, और सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करना है। आप देख सकते हैं मैं कैसे मिक्स कर रही हूँ। और उसके बाद मैं एकदम गरम एक तवे पे मैं इस मिक्सचर को डाल दूंगी, और स्पैचुला के हेल्प से भी आप इसे स्प्रेड कर सकते हैं, या ऐसे ही इतना पतला है ऑटोमेटिकली भी स्प्रेड हो जाता है।
और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा घी ऐड करूँगी, आपको जितना घी पसंद है घी ऐड कर सकते हैं, आप अगर घी नहीं ऐड करना चाहते तो आप बटर भी डाल सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है वो आपको आप डाल सकते हैं। उसके बाद में थोड़ा सा रेड चिली पाउडर ऐड करें और एक साइड जब ये अच्छे से नाइसली मतलब कुक हो जाए, आप देख सकते एकदम गोल्डन ब्राउन हो गया, तब मैं इसको फ्लिप करके दूसरा साइड भी, मैं इसको दूसरा साइड को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, जस्ट हल्का सा मतलब फ्राई करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ऑसम एंड क्रिस्पी वाला डोसा रेडी हो गया। गाइज ऐसे एक बार डेफिनेटली घर पर ट्राई कीजिए, बहुत टेस्टी होता है। तो ये हमारा इवनिंग का स्नैक है। गाइस बहुत ज़्यादा ये टेस्टी बना। पहले मैं उत्तपम बनाती थी, मतलब थोड़ा सा मोटा करके डोसा डाल के उसके ऊपर सारे वेजिटेबल्स देती थी, अनियन टोमेटो कैप्सिकम ये सब। बट अभी मैं दो दिन से ऐसा बना रही हूँ, ये ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, आप घर पे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ट्रस्ट मी बहुत अच्छा बना है। स्पेशली कोरिएंडर की वजह से एकदम एक फ्रेश एक अरोमा आ रहा है, फ्रेश एक फ्लेवर आ रहा है, बहुत क्या हुआ बहुत। सो गाइज अभी मैं किचन में आ गई हूँ और अभी टाइम हो रहा है 6:30 PM, मैं डिनर बनाने आ रही हूँ। आप लोगों को तो पता ही है कि आजकल हम लोग जल्दी सब कुछ काम करते हैं, तो जल्दी जल्दी मैं डिनर भी बनाती हूँ। और आज का जो स्पेशल चीज़ है वो है, मैं एक बहुत ही इजी टू मेक, ऑलवेज मेरा कुकिंग इजी टू मेक ही होता है, बट येस एक स्पेशल वाला वन पॉट डिनर में बनाने वाली हूँ, और वो है कॉर्न राइस। पहले भी मैंने एक दो बार बनाया था और इतना ज़्यादा टेस्टी बना है कि मैंने सोचा आज क्यों ना आप लोग के साथ वो रेसिपी मैं शेयर करूं। तो कॉर्न राइस जो है उसमें मैं थोड़ा सा बोनलेस चिकन के पीसेस भी ऐड करूंगी, तो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो चिकन ऐड मत कीजिए, रेसिपी सेम रखिए, चिकन के जगह पनीर भी ऐड कर सकते हैं जिस टाइम पर, और जैसे मैं चिकन को ऐड करूँगी बिल्कुल वैसे आप पनीर को भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो अभी सबसे पहले मैंने राइस चढ़ा दिया है बॉईल करने के लिए, और यहाँ पे मैं बासमती राइस का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, नॉर्मल जो रेगुलर खाने में हम लोग जो बॉईल राइस का यूज़ करते हैं वही राइस में, राइस से मैं ये डिश बनाऊँगी। बट हाँ अगर आप चाहे तो बासमती राइस भी यूज़ कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक बासमती राइस से ये वाला पर्टिकुलरली रेसिपी इतना टेस्टी बनेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का रेसिपी। यहाँ पे मैं कॉर्न राइस बनाने के लिए कढ़ाई में थोड़ा सा वाइट ऑयल गरम कर लिया, और वाइट ऑयल में मैंने थोड़ा सा चिकन को ऐड कर दिया। चिकन को मैंने सॉल्ट लगा के रखा है, एकदम छोटे छोटे साइज़ के चिकन है, तो इसको मैं सबसे पहले अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और आप देख सकते हैं चिकन फ्राई हो गया है, तो मैं इसको अलग से एक बोल में निकाल लूँगी। अभी इसी कढ़ाई के ऑयल में मैंने थोड़ा सा बटर ऐड किया है, आप चाहे तो बटर नहीं भी ऐड कर सकते, बट बटर ऐड करने से ही इसका एक अच्छा टेस्ट आएगा। और यहाँ पे मैंने थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में फाइनली चॉप गार्लिक लिया है एंड अनियन लिया है, और सबको एक साथ मैं ऑयल में ऐड कर दूँगी, और इन सबको गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेना है। अभी आप देख सकते हैं अनियन एंड गार्लिक अच्छे से फ्राई हो गया है, और अभी मैं इसमें ऐड कर दूंगी पहले से फ्राई किया हुआ चिकन, एंड मैंने थोड़ा स्वीट कॉर्न को माइक्रोवेव में 1.5 मिनट में पानी डाल के थोड़ा सा बॉईल कर लिया, तो सबको मैं एक साथ यहाँ पे डाल दिया है। और मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया है, थोड़ा ज़्यादा क्वान्टिटी में, और सबको अच्छे से फ्राई होने के बाद मैं यहाँ पे पहले से कुक किया हुआ बॉइल्ड राइस को ऐड कर रही हूँ। राइस को मैंने पूरा बॉईल नहीं किया था, 80% तक ही कुक किया था, एक साथ सब राइस ऐड नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करके राइस ऐड करना है ताकि आप ठीक से इसको मिक्स कर सके जो बाकी मसाला है उसके साथ।
अभी मैं इसमें राइस में थोड़ा सा स्वादानुसार सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, इन सबको अच्छे तो से गाइस मिक्स आप लोगों करके ने देन देखा में कि ढक मेरा के कॉर्न कुक राइस करूंगी का 10 to 15 मिनट्स बन गया। तक। मतलब अभी मैं जस्ट गैस पे उसको 5 to 10 मिनट्स के जितना ऐसे ही थोड़ा सा ढक के रख दिया है। थोड़ा कुक होगा तो राइस में पूरा सब कुछ चीज़ों का फ्लेवर जाएगा तो अच्छा लगेगा। तो आपने देखा कितना इजी टू मेक है और सिंपल और कितना जल्दी हो गया। मुझे लगता है सिर्फ अगर थोड़ा सा प्रिपरेशन आप करके रखें तो 5 to 10 मिनट्स भी नहीं लगता ये रेसिपी को बनाने में। और हाँ, अगर आप वेजिटेरियन है तो चिकन ऐड मत कीजिए। जैसे पहले मैंने चिकन को थोड़ा सॉल्ट के साथ फ्राई कर लिया था, आप बिल्कुल वैसे ही पनीर को ऐसे ही सॉल्ट के साथ थोड़ा सा फ्राई करके बाद में ऐड कर सकते हो। अगर आप कुछ भी ना ऐड करें, चिकन या पनीर, तो भी चलेगा, ये अच्छा ही लगता है खाने में। मेन तो इसका कॉर्न का जो एक हल्का सा मीठा मीठा एक फ्लेवर आता है और बटर का जो टेस्ट आता है वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस रेसिपी के लिए। और गार्लिक हाँ थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में दीजिएगा तो इसका टेस्ट और अच्छा आएगा। नहीं छोटा छोटा नहीं, वो जैसे प्याज कट के वैसे करना या उससे थोड़ा मोटा करना, ठीक है। तो अभी मैं सोच रही हूँ मैं कुछ कुछ ग्रेवी जैसा बनाऊँ कि नहीं इसके साथ। एक्चुअली ये तो ऐसे ही नॉर्मल सिर्फ मतलब सिर्फ राइस भी खा सकती है, एक वन पॉट मील ही है, लेकिन फिर भी ऐसा मुझे लग रहा है कि कुछ ग्रेवी अगर हो तो अच्छा लगेगा। तो लेट्स सी क्या बनाऊँ। सोच रही हूँ कुछ कुछ आलू के सब्जी या फिर कुछ हल्का सा कुछ चिकन का, आई डोंट नो, लेट्स सी देखते हैं क्या बनाती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे चिकन को मैरिनेट कर लूँगी, और उसके लिए चिकन में मैं 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रही हूँ, देन 2 टीस्पून विनेगर, स्वादानुसार नमक, हाफ टी स्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून चिकन मसाला एंड 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। और मैं अभी यहाँ पे स्लाइस किया हुआ टोमेटो के पीसेस को ऐड कर रही हूँ, ये मैं चिकन को मैरिनेट करते टाइम में इसमें ही ऐड करी, और बहुत अच्छे से सब चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। मैं कढ़ाई में सबसे पहले व्हाइट ऑयल ऐड किया है, मैं इस चिकन को व्हाइट ऑयल में कुक करूंगी, और उसमें मैंने 1 मीडियम साइज़ का अनियन को स्लाइस थिनली स्लाइस करके ऐड किया है। और आप देख सकते हैं अभी प्याज जो है वो अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है, और इसमें मैं मैरिनेट किया हुआ चिकन को ऐड कर दूंगी। और अभी इसको मैं ऐसे ही सब मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करके देन इसको कवर करके 20 to 30 मिनट्स ऐसे ही कुक करना है। Hey guys, और इसको तो अभी एकदम टाइम हो लो रहा है फ्लेम 8:30 PM पूरा और हम कुकिंग लोग करना अभी होगा। डिनर कर रहे हैं। मैंने एक मेरा जो डिनर का प्लेट है वो उसका मैं फोटो लेके आप लोग के साथ शेयर करूंगी। चिकन बहुत ज़्यादा यम्मी बना है और मेरा फेवरेट सीरियल देख रही हूँ, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो चलिए अभी फटाफट डिनर कर लेते हैं, उसके बाद मैं फिर से आप लोग के साथ मिलती हूँ। हे गाइस, तो हम लोग का भी डिनर हो गया और ऐसे ही बस बालकनी में आके खड़े हो गए। ऐसे ही थोड़ा अच्छा लग रहा है, बाहर एकदम ठंडी ठंडी हवा है, बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं और गर्मी तो बिल्कुल भी नहीं। घर के अंदर कैसा गर्मी लगती है, सफोकेटिंग लगता है, सब विंडोज़ तो खुले हैं बट यहाँ पे फिर भी बहुत घर के अंदर कैसा सफोकेटिंग लगता है, गर्मी लगती है, बट यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है। एक्चुअली हम लोगों का मन था कि खाने के बाद हम लोग नीचे बिल्डिंग के अंदर ही मतलब नीचे ऐसे वॉक करने जाएंगे, बट प्रॉब्लम ये है कि हम लोग अभी लेट हो जाएगा अभी अगर वॉक करने जाएंगे, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 9:30 PM। तो बस सोचा 5-10 मिनट इधर ही ऐसे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है ना, खुली हवा में एक्चुअली थोड़ा सा सांस ले रहे तो काफ़ी अच्छा लगा। तो 5-10 मिनट हम यहीं पे ऐसे ही खड़े रहेंगे, उसके बाद अंदर जाएंगे, सोना भी तो है। सो गाइस, आज का जो ये वीडियो था ये एक छोटा सा बट अच्छा सा एक वीडियो था। इसमें मैंने आज बहुत ही यम्मी वाला रेसिपी शेयर किया। चिकन मैंने आप लोगों को दिखाया कितना फास्ट मतलब कितना सिंपल तरीके से बना है, ज़्यादा कुछ मसाले भी नहीं दिया मैंने, फिर भी ट्रस्ट मी गाइस बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है। आप लोग घर पे एक बार ज़रूर ये रेसिपी को ट्राई कीजिए, दोनों रेसिपी साथ में ट्राई कीजिए, देखिए बहुत अच्छा लगा है। चिकन को आप ऐसे सिर्फ रोटी या पराठे के साथ बना के भी खा सकते हैं।
सो गाइज आई होप कि आप लोगों का आज का वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स चाहिए। और आप शेयर भी कर सकते हैं अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। एंड अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सो गाइज मैं आप लोगों से मिलती हूँ मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।